हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये देखिए आप संस्कृति सदन और ये हिमाचल उत्सव। अरे हम स्कूटी दूरी लगा हैं यार, यहाँ तो क्या प्यारा व्यू है। आई वांट कि यार आप सभी लोग ना यहाँ पे जरूर आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मंडी में काफी टाइम बाद आज व्लॉग बना रहे हैं हम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो कार्तिक के ना आज एक दोस्त का प्ले है ऊपर संस्कृति सदन में, हाँ, कांगड़ी धार के पास, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं आगे, फिर आगे मिलते हैं आपको। कोयल का साउंड प्यारा है ना। शो देखने से पहले जरा ना हम सोच रहे हैं कि हम जरा अंदर जा रहे हैं मंदिर। एंट्री कर दी है इन्होंने बड़ी सुंदर, है नहीं? बढ़िया नहीं होगी एंट्री? बहुत बढ़िया कर दिया यार गेट ना इन्होंने, बड़ा शानदार बना दिया यार। सनसेट हो रहा है, बाहर से माथा टेक लेते हैं। कार्तिक बोल रहा है पहले परे जाना है, तो हम जाएंगे पहले परे शो देखने। रश ही नहीं है यहाँ तो? अरे रश है ना। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं अंदर का फिर क्या क्या चल रहा है। हिमाचल उत्सव लगा है यहाँ पे 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। ये देखिए आप संस्कृति सदन और ये हिमाचल उत्सव। हम अभी ढूंढ रहे थे कि कोई फोटो ले ले हमारी, और हमारा दोस्त आ गया है यहाँ पे। दुकानें लगी है इस साइड, दुकानें लगी है, थोड़ी देर में जाते हैं। ओ भाई साहब, अंकल लेता बीट। यार पहली बार आया मैं अंदर, यहाँ पे देखो कैसा है। अच्छा है ना एंट्री वगैरह? ओए होए होए, ली फोटो वीडियो जो बड़ा कैंट लग रहा है। इसके साथ लेना था फोटो यार, थंबनेल में ना यही डालेंगे। क्या बनाया है यार सुंदर। ओहो हो, सनसेट, क्या सनसेट हो रहा है। आ देखो जरा शानदार, अल्ट्रा वाइड में भी नहीं आ रहा है तो। अरे हम स्कूटी दूरी लगा हैं यार, यहाँ तो क्या प्यारा व्यू है। एस्थेटिक लोकेशन है कि नहीं गाइस? ये मना कर रहा था आने के लिए, तो मैंने कहा एक बार चलो और देख। तो मेरी इच्छा नहीं थी कोई आने की ना, पर इसने बोला कि भी एक बार चल तो सही, देख के आते हैं। इसके दोस्त का था ना तो। और क्या एस्थेटिक है यार, और माइंड ब्लोइंग भाई साहब, है ना। 6 बजे धूप आ जाती है, रूह खुश होगी यार आके। रात को तो और अच्छा लगता है, मैंने सोचा नहीं था अंदर से इतना बड़ा होगा यार, बाहर से तो लगता नहीं है। अंदर से देखते हैं जरा यार कैसा है। की कह रहे ली, ब्याह थी कराना? ब्याह तो पहले सही है। ये क्या है, थिएटर हॉल है यार, नाइट शो यहाँ कराओ यार। भैया क्या सुंदर है, मिल लेना पहले। मेरे को लग रहा है प्रोग्राम लेट होना है, पर यार आप देखो यार अंदर क्या शानदार बनाया है, माइंड ब्लोइंग ऑसम स्पेस है ये। मैंने अभी देखा कि ऊपर भी स्पेस है, सिटिंग एरिया, क्या ऑडिटोरियम बनाया है यार। तो गाइस अभी ना शो शुरू होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसका भी है मेरे दोस्त का, फिर उसके लिए हम आए। यार हम ना पहली बार अभी यहाँ इस भवन में आए हैं, संस्कृति भवन में, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ऑडिटोरियम इतना अच्छा होगा, और ये पूरा मुझे लगा नहीं था कि भवन है, पर अब लग रहा है अंदर आके कि नहीं है, है ना। काफ़ी बहुत ही बढ़िया बनाया गाइस इन्होंने, जो भी है इसकी डिटेलिंग वगैरह और सब अभी नया ही बना है, लग रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। साउंड प्रूफिंग वगैरह ना करी हुई है, तो गाइस ये कुछ ऐसा है। अब मैं ना जरा मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरा भी कुछ प्रोग्राम हो यहाँ पे। जल्दी होगा 1 मिलियन में। चलो चलो व्लॉग तो बन गया है, व्लॉग तो शुरू हो गया है। एक कार्तिक का दोस्त ना मैं मिल चुका था, फिर अभी यहाँ पे शो तो भाई बड़ा है, अभी 7 बजे होगा। चीफ गेस्ट वगैरह आएंगे तो टाइम लगेगा, चीफ गेस्ट कौन है? तो भाई देखो कैदी के रूम सो कत्तर जैसे ये काम करता है, कैदी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर, आर्ट गैलरी। हाँ ब्रूक टी वी सन्नी भी अभी देखते हैं। सन्नी भी आना थोड़ी बल्ले, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
और हम एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। ये रहा आर्ट, किसने बनाया है, लिखे नहीं है नाम बंद हो रहा, अच्छा लिखे हैं। और कैदी भी आ गए हैं हमारे बीच में, ये कैदी नीचे पुलिस थाने से सदर से आया है। ओ नहीं इतना वेला थोड़ी कोई, ये तो वॉइस अच्छा बनाया है यार, तो ले ले देखो यार मॉडर्न आर्ट। ये तो ऐसा लग रहा है यार किसी छोटे बच्चे की पेंटिंग चुरा के लाए हैं। ये कौन है यार, एक्शन काम ही तो नहीं है। आई वांट कि यार आप सभी लोग ना यहाँ पे जरूर आए कि नहीं, आना चाहिए सबको है ना, आना चाहिए एक बार देखना चाहिए गाइस कैसी कैसी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ बनी है, सब एक से बढ़कर एक बहुत ही अच्छी बनी है, लाजवाब। बस यार यहीं तक ही है ये गैलरी, गैलरी में मुका दिया काम। कहाँ है तेरी बे, हु इज योर बे, लो यार ऊपर वाला फ्लोर है ना, सिटी वीआईपी है, देख कुछ ऐसा सा फ्लोर है दिखा खोल के बैठ तो सही, बैठना नहीं है दिखाना। हिमाचल उत्सव के आज के हमारे नीचे शो की तैयारी हो रही है सायंकालीन कार्यक्रम में, दारू तो ले आओ पहला पैक ही है भाई देना है। देखो यार यहाँ कैसी शॉप्स लगी हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, कब से कर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तेरी वाइब कैच कर रहा है मैं हमारा, दिखाओ दिखाओ मेरी वाइब, ऐसे मेरी वाइब भी दिखा दो लोगों को, वाइब भी दिखा रहा हूँ यार। तो ऐसी ऐसी यहाँ पे एग्जीबिशन शॉप्स वगैरह लगी हुई है जो कि संस्कृति को दिखलाती है, बट लाइक दैट अच्छी चीज़ें हैं यार। 0.5 से कर रहे हैं यार राजी, कुछ कहना चाहोगे? नहीं अभी तो नहीं, इसके शो के बाद ही कहना चाहूँगा आपकी कैसा शो रहता है। प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है अभी, जितने भी हमारे कलाकार जो ऐसी बात आई नहीं, तू सामने से करे मुलाकात आई नहीं, जिन आंखों में कल तक तुझे प्यार दिखता था उन आंखों में दिखे तुझे ठरक। मान के आए थे हम कि कितने बजे शो शुरू हो जाएगा, 5-6 बजे, हमने 6-1 बजे का सोचा था गाइस, तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है ना, अभी क्राउड आया है तो कुछ ऐसा सा है, ये दिखा दो भाई, दिखा कितनी बार दिखाना है यार, ऐसे बता दो ऑडियंस को कुछ बताओ यार। टेररिस्ट की बेस के ऊपर, एक टेररिस्ट है उसको फांसी हुई है, उसकी एक रात पहले की स्टोरी बताई है। अच्छा तुमने किसने बताई है स्टोरी? फ्लैश जग जानी यार, तो यहाँ पे लाइट्स हो गया, डर नहीं, वो डर नहीं, जान डर रहा है गाइस, मैं क्यों डरूंगा। ओहो वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा इफेक्ट दिया है यार, किसी का भाई किसी की जान, ये तो महात्मा गांधी लग रहे हैं, बड़ा तगड़ा सा नाम बनाया इन्होंने। ये है सुदामा जी यार, तिरछे बाण चलाती हैंगी, जो पुरुष टैलेंट पालो सच्ची वाला है। ये यहाँ पे कार्तिक के दोस्त के प्ले की, तो गाइस अभी शुरू होने वाला है प्रोग्राम, तो आपको दिखाते हैं, काफ़ी नींद आ गई है गाइस पहले वाले प्रोग्राम देखने, सच बोलूँ तो अब यहाँ पे प्ले की तैयारी हो रही है यार, प्ले की तैयारी हो रही है पर पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, थक चुके हैं गाइस, मेरे को खुद पता नहीं है कौन सा प्रोग्राम है, पर अभी हम बोर हो रहे हैं बहुत तगड़े वाले, हॉल से बाहर अगर कुछ लोग, यहाँ पे कार्तिक का दोस्त कैदी जो बना हुआ है, दुनिया से बाहर एक और दुनिया है जहां लोग हैं
बात है, नियम कानून अपराध दंड हमारा तुम्हारा पाप पुण्य साला सब बकवास है। खानों में छिपा जा सकता है दोस्त, जिया नहीं जा सकता। सबके अपने अपने तय खाने होते हैं, दांते इसलिए है ना ताकि सो जाए। तो फिर हम सोते ही क्यों हैं? रात होती है क्योंकि सुबह आती है। तो अब हमने करवा दिया स्टेज क्लियर, अब कार्तिक स्टेज संभालेगा खुद। ओए 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 कोई सा बाप है ने मोरे दी परफॉर्मेंस बारे दसो एंड कराती है आज, बहुत ही कैंट प्रोग्राम थी। बस रिहर्सल तैयारियां चल रही ने। तो गाइस आ गए असि रिहर्सल वास्ते, ते साडी कल प्रोग्राम है साडा, तुसी सारे आना, वध चढ़ के आओ। नीचे वाली सीटा वैसे बुक्ड है, उपर इस वाले फ्लोर च लै सकते हो जे खाली। प्री बुकिंग स्टार्ट ने, हां जेडी थल्ले वाली ओ बुक हो गई है। बुक माई शो च तुहानू मिल जानी टिकट हजे भी है। चांद 439 लाके तुसी कोड ला सकते हो, तुहानू होर सस्ता पै जाऊगा टिकट। 50% डिस्काउंट। हां शो दा टूर दा नाम हैगा की हैगा, रात दी गेड़ी। आए रात दी गेड़ी टूर रहेगा साडा, हुण असी जावांगे कनाडा। भी उस्ताद जी थोड़ी जी ढोल दी बीट कट रखियो कर देते हैं। होप ठीक है गाइस, व्लॉग एंड है, तो लाइक सब्सक्राइब लाइट ना बंद कर देते रहे। तो होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय करा होगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइस।